हेलो गाइस, तो आज हम लोग आए हैं मध्यकालीन भारत के सबसे खूबसूरत मीनारों में से एक हिमायत टॉम को एक्सप्लोर करने और इसकी खूबसूरती को देखेंगे। तो भैया आपका क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आज कल से भी मजा आएगा क्योंकि आज हम लोग मुगल डायनेस्टी को सर्च करने जा रहे हैं हुमायूं। बिल्कुल। और मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि ये जो हुमायूं की पत्नी थी और अकबर की माँ, उन्होंने बनवाया था 1536 के आसपास में। ये अनोखा है जो पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया। बिल्कुल, ये एकमात्र। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ताजमहल जो है तो इसी का एक वो मतलब आर्किटेक्चर और इसी का कॉपी है, एक तरह से कह सकते हैं। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। हाँ, तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत मजा आने वाला है। खुदा अपने बलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के इसी तब्बू हलीमा गेट। And this is the main entrance. We are other side of the entrance. So ये अरब की साई गेट है और बू हलीमा गेट ये है। अच्छा, बट ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये गेट। दिस इज द ग्रेट एंट्रेंस ऑफ द हुमायूं टॉम्ब। This is the entrance of the Himayat tomb. This is 16 meter high and it was made, it is called as West Gate. It is made in 16th century only. So we will go further. आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत गार्डन चारों तरफ से है। ये खास तरीका था जो कि मुगलों का एक खास कंसेप्ट था कि वो चार भाग में गार्डन को बनाते थे और उसके बीचों बीच एक पानी की वो देखना है वो बहती थी। अभी तो ये बंद हो गया है और ये जो भी झरना है जिसमें मोटर लगा है तो उस समय वो बिना ग्रेविटी के हेल्प से वो झरना चलता था। जाएंगे भैया एक खूबसूरत लड़की को देख के उधर मुड़ गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। चलिए हम लोग, ये खूबसूरती है तो भगवान का दिया हुआ खूबसूरती को निहारना चाहिए। नीचे वाले चबूतरे पर चारों तरफ से एक राउंड घूम रहे हैं, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ेंगे। चारों तरफ से दरवाजे हैं चढ़ने के लिए। इस दरवाजे से लेके हम लोग ऊपर जाते हैं अभी और ऊपर से देखेंगे कैसा दिखता है चारों तरफ गार्डन का। ये पूरा व्यू है हुमायूं टॉम का।
इस कैंपस में 100 से ज्यादा मुगलों की कब्रे हैं। जी बिल्कुल, ये खूबसूरत लड़कियां आप देख सकते हैं। हम लोग मेन एंट्रेंस में जाएंगे और हुमायूं के मकबरे को देखेंगे। ये टॉम्ब है हुमायूं का, ये दिखा है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने दारा सिको के बारे में सुना होगा, जो कि औरंगजेब के बड़े भाई थे। ऐसा माना जाता है कि इन तीनों कब्रों में से एक कब्र उनकी है, ऐसे भी पता नहीं है। भारत सरकार पता लगाने की कोशिश की थी, एक रिसर्च की गई थी, उसमें कहा गया कि दारा सिको का कब्र, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दाहिने वाला जो है ऐसा माना गया है। काफ़ी रिसर्चर्स ने ये बात मानी भी है कि यही हो सकती है। और भारत सरकार, वो काफ़ी सेकुलर नेचर के थे, इसलिए उनके याद में कुछ बनवाने की प्लानिंग चल रही है। दो कब्रें जो हैं, एक हुमायूं की बहन का, और मुझे नाम याद नहीं अभी, और एक उनकी पत्नी का, जो जिन्होंने ये बनवाया था पूरा कैंपस अपनी देखरेख में। ये देखिए फ्रेंड्स, मुगल परिवार के सदस्यों का ये कब्र है। उसे बहुत सारे बच्चों की कब्र भी नजर आ रही है। देखिए कितना, ये देखिए उतना छोटा बच्चा का लगता है, लगता है वो पैदा होते ही मर गया होगा। ये जो सब वेस्को का है, छोटा का बच्चा है, बच्चा का ये है। देखिए ये तो बहुत छोटा है, ये भी छोटा, वो भी छोटा ही है, मतलब ये 3-4 साल के बच्चे का होगा, ये जन्मजात बच्चे का होगा। हाँ, उसी समय का दरवाजा है, देखिए कितना खतरनाक है, इतना मोटा दरवाजा। नहीं जी, ये हिलता भी नहीं है उन लोग से। अभी का क्यों इतना बड़ा दरवाजा लगवाएगा, अभी तो बस वो ग्रिल का लगवा देता। उसी समय का होगा। ये पार्क का व्यू है, चलिए ना पार्क में चलते हैं, इतना सुंदर लग रहा है। ग्रेविटी यूज करके हाँ, तो लग रहा है पूरा सीधा ऐसे है। नहीं, स्लोप तो होगा, स्लोप है, इसलिए ओपन चैनल तो ऐसे ही बनता है। जो ये देखा है, जो अपना क्या बोलते हैं, जो वेस्ट होता है उसमें मोटर लगा होता है, चलते रहता है अपना, कैसे होता है ओपन चैनल। फिर भी उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस नहीं था उस समय लोग। हाँ, ग्रेविटी तो नहीं, मतलब इतना एक्यूरेट करो कि पूरे, मतलब इतना बड़ा जगह पे पूरा फ्लो कर जाए। ग्रेविटी जानना मुश्किल था, नहीं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो लोग जानता हो कि ग्रेविटी। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, सूखे पत्ते, इसको क्या लगता है कुछ चेंज वेंज किया है कि उस समय से, इसमें का इसमें उस समय ये सब साला कहाँ से लाया, सीमेंट हाँ, सीमेंट हो सकता है रिपेयर किया होगा कुछ मिले अभी, कुछ कुछ रिपेयरिंग किया है, ऐसा नहीं कि सब उसी समय का, लेकिन पत्थर वगैरह सब वही सब यूज़ किया है। पत्थर तो पहचान, ये सब पता नहीं अभी का ही होगा, अभी का ही होगा। वहाँ पे देखिए वो दरगाह चले क्या वहाँ पे, हमको लगा ये भी जाता है उसी समय। क्या उसी समय हो सकता, मे बी। है रास्ता,
दिस इज नाइस टॉम्प, और नाई को भी इतना रिस्पेक्ट मिला है वो। चलिए भाई हम नाई का टॉम्प भी देख लेते हैं, दुनिया के सबसे। हाँ, ये नाई को लगता है गुस्से में मार दिए होंगे और बाद में बनवाए हैं उसका। दिस इज द साउथ गेट, द रॉयल एंट्रेंस ऑफ द एम्पायर। एक्चुअली दिस इज द बैक यार्ड ऑफ दिस टॉम्प। दिस इज एक्सटेंडेड टॉम्ब ऑफ ईसा खान, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दिस गार्डन। इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। आगे चल के देखते हैं। देखिए गाइस, ये मस्जिद है। एज यू कैन रीड, टेक ऑफ योर शूज। ये चलना है, तुम जा सकते हैं। क्यों, हम क्यों जा सकते हैं? हम नहीं जा सकते हैं। अच्छा, अपमान नहीं करेंगे कैसे? नहीं भैया, वो गिरफ्तार नहीं होना। दिस इज द मॉस्क ऑफ ईसा खान, सॉरी टॉम्ब ऑफ ईसा खान, एंड दिस इज द मॉस्क। दिस इज द टॉम्ब ऑफ ईसा खान। पता नहीं, मुझे यहाँ डर सा लग रहा है। चलिए चलते हैं। एक खूबसूरत सा गार्डन है। पिछले जमाने में अब जो अकबर के साथ गद्दारी किए थे ना, आपको यह कहीं मार के गाड़ा होगा। ये अरब की सराय है। We are trapped, guys. I don't know how to escape from here. क्या हम लोग यहाँ जिंदा निकल पाएंगे या पहले गेट बंद हो जाएगा 6 बजे से पहले? इस वजह से हम लोग अब यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, जिसमें हम लोग फूड ब्लॉग कर रहे हैं पराठे वाली गली।